आगा तहसील के हदगांव थाना क्षेत्र में हजार वर्षों पूर्व जगन्नाथ बाबा के स्थान में लगता है हर वर्ष आषाढ़ के पंचमी और छठ को भव्य भंडारे के साथ मेला। आते हैं दर्शन करने बहुत दूर दूर से लोग। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के हदगांव थाना क्षेत्र के चिउलहा रोड पर स्थित लगभग हजार वर्ष पूर्व का ऐतिहासिक जगन्नाथ बाबा का मंदिर, जहाँ दो हाथियों सहित बारात धरती में समा गई, जहाँ आज भी आषाढ़ के पंचमी और छठ को भव्य भंडारे और मेले का आयोजन होता है। मेले में आसपास के अन्य जिलों से दर्शकों का भी आना होता है और यहाँ जवाबी बिरहा गायन कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सुल्तानपुर जिले के गायक देवेंद्र यादव ने अपने सहयोगी दान बहादुर यादव कोरस पर, संजय हारमोनियम पर, सियाराम ढोलक पर, रोशन कोरस पर और कृष्ण कुमार यादव कोरस पर साथ दे रहे थे। बोल रहे बसाओं बांसुरिया बजावे, अम्मा बाउर बाउर जावे, जियां डोल डोल जाए। इनके जवाब में गायिका ज्योति यादव प्रतापगढ़ से अपने सहयोगी विजय हारमोनियम पर, लहुरी ढोलक पर, सुरेश यादव कोरस पर, राजेश कुमार कोरस और ओम प्रकाश कोरस पर साथ दे रहे थे। एक दूसरे को अपने बिरहा गायन के माध्यम से शिकत देते रहे। दोनों लोगों को श्रोताओं ने खूब तालियां बजाकर हौसला अफजाई की। आप लोग को बताते चले, जगन्नाथ बाबा के स्थान का इतिहास हजार वर्षों पुराना बताया जा रहा है। कन्नौज के राजा जयचंद्र पृथ्वीराज चौहान से तंग आकर राज्य छोड़कर हदगांव आ गए थे। इनका बैठका आज भी हदगांव में बना है। जयचंद के सौतेले भाई रतिभान ने भी दो बेटियां थीं, जिनकी शादी एक क्षत्रिय वंश में और दूसरे ब्राह्मण वंश में कर रहे थे। जिनकी बारात के समय आरती करने पहुंचे थे, उसी समय हाथी सहित बारात धरती में समा गई। इसमें आज उसी हाथी को जगन्नाथ बाबा के नाम से जाना जाता है और पूजा अर्चना होती है। उसी जगह देवी माँ की मंदिर है, जहाँ ढोला सहित आकृति है जिसकी पूजा अर्चना होती है। यहाँ पहले तालाब के किनारे हाथी ग्राम था, फिर जब गांव नष्ट हो गया तो बचे लोग आगे बस गए, जिसे हाथी गामी भी माना जाता है। लेकिन अब उसे लिखा पड़ी के हदगांव में नाम से जाना जा रहा है। आप लोग को बता दें, यहाँ की मान्यता है जो सच्चे मन से जो भी मांगा उसे मिला है। यहाँ केवल फूल, बतासा, घी, पूड़ी, जनेऊ, चांदी का जनेऊ चढ़ाया जाता है। यहाँ की मान्यता है कि पुत्रहीन को पुत्र प्राप्त भी होती है और जिनकी मुँह मांगी मुराद पूरी हो जाती है वह लोग घंटा चढ़ाते हैं। पुत्र प्राप्त के बाद बच्चे का मुंडन संस्कार भी यहीं होता है। इस मेले में लगातार दो दिन भंडारे का आयोजन भी होता है। मेले में क्षेत्रीय विधायक उषा मौर्य, पूर्व विधायक केतकी सिंह, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष विपिन यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख दुर्वीन सिंह और चंद्र प्रकाश लोधी भी दर्शन किए और यहीं से शुरू हुई ससुर खरेदी नदी जो प्रयागराज संगम में समाहित होती है। देखें अनिल कुमार केसरवानी की एक खास रिपोर्ट। मैं मोतीलाल पंडा जगन्नाथ बाबा का पुजारी बोल रहा हूँ। जी, ये जो जगन्नाथ बाबा का मंदिर है, इसका इतिहास क्या है? इतिहास यह है कि जिस समय राजा जयचंद कन्नौज छोड़ करके और लगे पृथ्वीराज के मरुओं पान आए जी, तो यहाँ हदगांव में छोटा सा बैठक बनवाया, आज भी मौजूद है। आज भी वो बैठक मौजूद है हदगांव में। और उसी समय की ये मूर्ति है जगन्नाथ बाबा की, उन्हीं का जगन्नाथ नाम का हाथी जो है इस जगह समा गया था। जैसा कि सुना जाता है कोई बारात यहाँ जो है, बारात आई वो तो बहुत बड़ा इतिहास सब बोलू। हाँ, तो वो बारात का क्या रहा? राजा जयचंद के सौतेले भाई रतिभान, जिनका नाम, उनकी दो बेटी थी और वो पाराशर ऋषि के आश्रम में थी। राजा जयचंद जो है अपना सब राजपाट जो है पाराशर ऋषि को देने को तैयार थे, लेकिन उन्होंने लिया नहीं। और उन दोनों बेटियों की शादी एक क्षत्रिय वंश कुंभीपुर और दूसरी ब्राह्मण वंश कन्हैया दीक्षित वंश में विवाह कर दिया। जब बारात आई तो ये जगन्नाथ नाम का हाथी जो है आरती करते समय इसी जगह समांतर ध्यान हो गया, तभी से यहाँ पर यह मेला लगता है। यहाँ की क्या मान्यता है? क्या मान्यता है? लोग आते हैं तो क्या यहाँ क्या चीज़? लोगों ने बताया कि आप पाराशर ऋषि नवस्था घाट के पश्चिम दिशा में गंगा तट पर है, वहाँ पाराशर ऋषि आरती पूजा वंदन करने जा रहे हैं। तो राजा पहुँचे तो उनके शिष्यों ने कहा कि भाई हमसे निदान नहीं होगा, हमारे गुरुदेव के पीछे बैठ जाएंगे। तो बैठ गए तो उनको आरती पूजा में अवरोध हुआ। अवरोध होने से उन्होंने एक कूसा उठाया और कूसा उठा के गंगा में फेंक दिया। फेंकने के बाद वो आकाशीय बिजली उसी में गिर पड़ी। जब गिर पड़ी तो राजा को जो है
राजा की कथा उनके शिष्य दोनों, एक ब्राह्मण थे एक क्षत्रिय थे, दोनों ने बताई तो कहा तुमने ये गलत किया। तो वो फिर अपना जालौन जिला पारासरिसी चले गए। जाने के बाद अब ये सोचे कि अब यहाँ हमारी जीविका कैसे चलेगी, तो राजा इस जीविका चलाने के लिए एक एक हाथी दोनों महात्माओं को दिया, जो ब्राह्मण को एक क्षत्रिय, एक पूरब दिशा को गया, एक हाथी और महात्मा पश्चिम दिशा को गया। आते हुए सबले से भ्रमण करते हुए इसी जगह समा गए। जब समा गए, जब राजा ने सुना तो उसको जो है कि अपना समाधि मंदिर बनवा दिया।